दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हेल्दी और सेफ होंगे। रिसेंटली हमने विथ ऑल प्रिकॉशन एक छोटी सी ट्रिप की, मुल्शी डैम और तामिनी घाट की, और उसकी जो वीडियो है वो मैं सेपरेटली एक डालने वाला हूँ। ड्यूरिंग द ट्रिप हम लोगों ने एक ट्रक को सॉल्वेज करने का या पुल आउट करने का फेल्ड अटेम्प्ट देखा। आइए आपके साथ मैं उसको शेयर करता हूँ। एक भारत बेंज का टैंकर जिसमें कि मोलेसिस था, साइड में रोड के साइड में जाने के कारण, लूज सॉइल होने के कारण वो साइड वाइज पलट गया, जिसको सॉल्वेज करने के लिए दो क्रेन लगाई गई थी। और जब हम वापस लौट रहे थे तब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो उन लोगों ने बीच में एक ट्रैफिक बंद करके ये निकालने की कोशिश की। बीच में जब ट्रैफिक बढ़ जाता था, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ जाते थे, तो दे उसको अलाउ एंड देन अगेन दोबारा से कोशिश करते थे। तो काफ़ी देर रुक के जब हम लोगों को छोड़ा तो मैं पहले तो क्रॉस कर लिया, क्योंकि क्रेन का जब बूम एक्सटेंड किया जाता है तो ऐसे भी उसकी कैपेसिटी जो है वो डीरेट हो जाती है। तो अगर 14 टन की क्रेन की कैपेसिटी है तो वो मे बी डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंशन, कितना आप बूम एक्सटेंड कर रहे हो, वो 8 टन, 10 टन, 6 टन पे आ जाती है। और ऊपर से अगर क्रेन किसी लोड को उठाने की कोशिश में अगर पीछे से उठने लग जाए तो वो थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन रहती है और कुछ एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है। इसके लिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, पहले अपने आप को क्रॉस कर लिया, जिससे बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो वहाँ फंस ना जाए। तो आफ्टर क्रॉसिंग अगेन वी स्टॉप्ड, और मैं सोचा अगर ये सैलवेज कर लेते हैं तो एक अच्छा मेरे पास मटेरियल हो जाएगा कि कैसे पलटे हुए ट्रक को सीधा करना। बट काफ़ी देर तक उनका प्रयासों को मैं रिकॉर्ड करते रहा। कभी वो आगे अपना वायर रोप लगाते थे, कभी बीच में लगाते थे, कभी पीछे लगाया, बट वो कुछ इंच ही ट्रक को हिला पाए। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा। ये क्रेनें थी करीब 14 टन कैपेसिटी की दोनों, एक को वो ट्रक को स्टेबल रखने के लिए यूज़ कर रहे थे और दूसरी से वो उसको खड़ा करने की या खींचने की कोशिश कर रहे थे। पहले खड़ा करने की कोशिश की, बाद में खींचने की कोशिश की। तो जो मुझे लगा कि ट्रक का इट्सेल्फ वेट करीब 6-8 टन का होगा और उसके ऊपर से शायद इन्होंने उसका अंदेशा नहीं लगाया कि जो मोलेसिस है, ट्रक साइडवाइज पलटी हुआ था, उसके अंदर मोलेसिस का वेट कितना होगा। उसके अंदर जो मोलेसिस था वो मे बी करीब 30-40% तो अंदर रहा होगा, क्योंकि ये साइडवाइज पलटी हुआ था, जिसका शायद ये अंदेशा लगाने का को भूल गए। क्योंकि जब ये पीछे से इन्होंने रोप वे लगाया था तो वो एक थोड़ा सा भी, एक इंच भी हिला भी नहीं पा रहे थे, और डेफिनेटली मोलेसिस जो है वो पीछे के साइड में रहा होगा। सो मोलेसिस इट्सेल्फ का वेट करीब 7-8-10 टन के आसपास रहा होगा, क्योंकि टैंकर वाज अराउंड 20,000 प्लस लीटर कैपेसिटी का, और ज़्यादा मोलेसिस तो बाहर आया नहीं था। तो वहाँ पे ये शायद चूक गए और इन्होंने काफ़ी कोशिश की बट ये टैंकर को सीधा नहीं कर पाए। इतने में करीब 5 के आसपास बज गया था, शाम होने लगी थी, तो हमने सोचा अब यहाँ टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही इंच हिला पाए थे इतनी देर में, करीब 1-1.5 घंटे के अथक प्रयास के बाद। तो हम बाद में निकल पड़े, बट इट वॉज़ ए
गुड शो, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। थैंक यू।